नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भोपाल 23 अक्टूबर को भेल कारखाने में कार्य करते हुए एक मजदूर के हाथ की उंगली मशीन में कट गई। भेल प्रबंधन द्वारा इस मजदूर की कोई सहायता नहीं की गई। उसके साथियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसकी उंगली जुड़ना बहुत से मुश्किल है, फिर भी डॉक्टर कोशिश में जुटे हैं उसकी उंगली ठीक हो जाए। भेल प्रबंधन द्वारा ना ही कोई बीमा कराया गया है जिससे उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके, और न ही भेल प्रबंधन उसकी मदद के लिए कोई योजना भी लेकर नहीं आया कि कोई घटना हो तो मजदूरों को उस योजना का फायदा हो सके। समाज सेवी मृणालिनी सिंह सेंगर ने मजदूर की उंगली कट जाने से बड़ा दुख जताया है और वह उसके साथ खड़ी है। परिवार के लोग खुद कह रहे हैं न तो मजदूर यूनियन के कोई लोग आए और न ही कोई सहायता की है। मृणालिनी ने बड़े अफसोस के साथ कहा। देखिए इसके मालवीय की यह रिपोर्ट। क्या हो रहा है, एक दो इधर उधर के नेता आ गए, इंटर के इधर उधर के जो भी है, इवन जिसकी कोई जिसकी त्रिपाठी भी उसने कर रहा है काम, वो लोग भी नहीं है, सुपरवाइजर है। हाँ, पेंशन के लिए कर देंगे, हटाना कौन देगा, उसकी उंगली कौन ला के देगा। आप मुझे बताइए, इस तरह के हादसे भी एचएम आए दिन होते हैं, सेफ्टी कहाँ थी इनकी, ग्लव्स क्यों नहीं पहनाए इन लोगों ने। बीएचएल तो कहता है हम सारी सेफ्टी लेके चलते हैं मैडम। नहीं, बीएचएल में जहाँ पे 40 लोगों का काम है वहाँ पे 20 मजदूरों से काम करा रहे हैं। इंसान इतना ज्यादा थक जा रहा है और उसके साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं, ये आए दिन होते हैं। पर ये तो मेरे सामने, मतलब जब से मैं बीएचएल से 3 महीने से जुड़ी हूँ, तो जब से तो मुझे ये पहला हादसा मेरे सामने है कि आज सच में मेरे सामने अच्छा खासा लड़का था, नौजवान 25 साल उम्र है जिसकी, आज उसका विकलांग हो गया। उसके सर्टिफिकेट को लिखा जाएगा विकलांग, अभी शादी तक नहीं हुई है, ये पूरा भविष्य अंधेरे में ला के रख रही है। और इस पर बोल देगी कि ये तो मेरी कंपनी के लोग ही नहीं है। हाँ, अभी मेरी GM HR से इनकी बात भी हुई थी, अविनाश चंद्रा जी से, तो वो तो कहते हैं कि हमारे मजदूर जो है हमारी कंपनी के ही नहीं है। तो ये मजदूर किसके हैं मैडम? वो कहते हैं कि मैं आपको ये जवाब देना नहीं समझता हूँ, मैंने विधायक जी को बता दिया, जो बताना विधायक को बता दिया, मजदूर हमारी कंपनी की नहीं है। मैंने ये बोला था, आप रिटर्न में दे दीजिए मुझे कि मजदूर किसके हैं। वो कहते हैं मैं आपको देने के लिए अट्रैक्ट हूँ, आप कौन है। हालांकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा वेट कर रहे थे 2 दिन से कि मिलने आऊँगा। चलो वो मिलने 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 के लिए वेट भी कर रहे हैं मेरा। उसके बाद वो मुझसे ये कहते हैं कि आपको मैं क्यों जवाब दूँ, वो मुझे नहीं पता है किसकी मजदूर है। और मजदूरों के साथ BHEL मैनेजमेंट अत्यंत शोषण करती है, ये सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उसके खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। क्योंकि मैं इस BHEL में हो रहे हादसों को यूं ही, जो लोगों का शोषण हो रहा है और मजदूरों को भी बाद में ऐसे कर देते हैं कि चलो जाओ यहाँ से, वो अब नहीं होगा। मजदूरों को पूरा न्याय मिलेगा, मैं पूरा अपना हिसाब दिलाऊंगी और मध्य प्रदेश सरकार से जो हो सकता है उसके लिए भी मैं इसकी सुविधा दिलाऊंगी लड़के का। और इनकी BHEL में जो है कंपनी के अंदर जो हो रहा है उसका भी अपन इसका भी करेंगे। यूनियन से कोई आया क्या मैडम, इनके यूनियन से और इधर उधर से? मुझे यूनियन का कुछ भी नहीं पता, यूनियन से कोई नहीं है। हाँ, कुछ एक दो लोग अभी जब मैं आए तो आए थे, BHEL एम्प्लॉई हैं जो, वो लोग आए थे, एक जिसके अंदर ये काम करता है सुपरवाइजर आए थे, बाकी मैंने किसी यूनियन को नहीं देखा। अभी तो 24 घंटे 28 घंटे रह गए, बिकॉज उसका ब्लड बहुत गिरा तो वीक हो गया काफ़ी, डिस्चार्ज पे इसको मिलना नहीं चाहिए 2-3 दिन तक, तो रेस्ट करे प्रॉपर, और ड्यूटी भी जाने का कोई वो है नहीं इसको बचाएगा। पर ऐसे ही हादसे सर होते रहते हैं BHEL के अंदर, जो आज सामने आए हैं आप, ये उनके परिजन, माता जी की हालत रो रो के खराब है। माता जी कोई यूनियन से आया क्या इस बच्चे के लिए? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं, जो और साथ में काम करते हैं वही लोग आए थे। कितने लोग थे वो यूनियन से? मतलब कोई भी नहीं आया? नहीं, यूनियन से कोई नहीं है। इतनी सारी यूनियनें हैं, हाँ। कुछ भी मैनेजमेंट क्या कर रहा है इसके लिए? यूनियन से तो कोई नहीं आया, बस इनके जो साथ के वर्कर काम करने वाले थे बेचारे वही लोग आए। आज देखिए BHEL में इतने सारे यूनियन चलते हैं, बंदा अकेला पड़ा, उसका एक भाई, यूनियन से कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार से यही विनती करता हूँ कि मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय मिले और पूरा मुआवजा BHEL उसको दे। यहाँ पे BHEL के कोई भी अधिकारी, कोई सीनियर, कोई नहीं आया हुआ है अभी तक, और ज्यादातर हो सकता है बात से बात दबाई जा रहा है कि ये खबर न्यूज बाहर ना निकले। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे इस भाई को जल्द से जल्द न्याय देने के कष्ट करें, ताकि हमारा परिवार बहुत आर्थिक स्थिति में गुजर रहा है अभी। आप समझदार नागरिक है, किसकी सरकार आपको बनाना है ये आप भली भांति जानते हैं। किसी के लालच में ना आए और सही व्यक्ति को ही अपना ये लाखों रुपए का बोर्ड
दें, क्योंकि आपके एक बोर्ड की कीमत सरकारों ने आपको बता दी है। सही जगह सही कैंडिडेट को चुनाव में जिताएं और उसी की सरकार बनाएं। चलिए कुछ भी हो मगर जनता को फायदा होने वाला है। 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आपका एक बोर्ड सरकार बदल सकता है।